या हबीब या शेख, कैसा लग रहा है शेख? अच्छा जी, हम ये उमरा करने के लिए, तैयारी के लिए ये शॉपिंग करने आए हैं। अभी थोड़ी देर रहती है रोज़ा इफ्तार होने में, उसके बाद हम जाएंगे। अब चलें देखते हैं कि अब रोज़ा इफ्तार होने की तैयारी इनकी कहाँ कहाँ तक पहुँची है। मैं सोया हुआ था, अभी उठा हूँ, नमाज़ पढ़ी है, तो आए देखते हैं। जी कहाँ तक पहुँची तैयारी? अच्छा भाई यार, ये कोरमा बन रहा है और ये चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। यहाँ तक पहुँची है तैयारी रोज़े की आज की, और ये इफ्तारी की तैयारियाँ चल रही हैं। जा रहा हूँ रोटियाँ लेने, आए आपको अब दिख। दुबई का मौसम भी बहुत अच्छा है, ये यहाँ पर अभी भी रोज़ा इफ्तार होने में 20-25 मिनट रहते हैं। और 27वीं इंशाल्लाह सऊदीया में होगी, और 2-3 रोज़े भी सऊदी अरेबिया में रखेंगे, और ईद भी वहीं पे करेंगे, और फिर ईद के बाद वापसी इधर दुबई में, और दुबई से इंशाल्लाह फिर मैं पाकिस्तान चक्कर लगाऊंगा, और उसके बाद रोज़ा इफ्तार करके फिर मैं कटिंग करवाने आ गया था। व्लॉग मिस हो गया थोड़ा सा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे छोटे बाल भी अच्छे लगते हैं। यार मैंने बाल ज़्यादा कटवा दिए हैं, ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हैं। ओ यार थोड़ा सा व्लॉग मिस हो गया, ये मैंने कटिंग शटिंग भी करवा ली है, ठीक है, और मैंने वीज़ा भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा भी लग गया है सऊदीया का। इंशाल्लाह उमरे पे जाएंगे कल शाम को, परसों मॉर्निंग में जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमें छोटा सा काम था शारजा में, तो फ़िलहाल हम दुबई से आगे शारजा में आए हैं, आज शाम को वापसी जाएंगे दुबई में, फिर तैयारी करेंगे उमरे की। हम लोग निकलने लगे हैं शारजा से दुबई की तरफ। कल रात को शारजा आए थे, रात को शारजा रुके हैं, काम था, तो अब हम वापस दुबई जाने लगे हैं। या हबीब या शेख, कैसा लग रहा है शेख? अच्छा जी, हम ये उमरा करने के लिए, तैयारी के लिए ये शॉपिंग करने आए हैं। हम लोग थोड़ी शॉपिंग करने आए हैं। अभी शॉपिंग करने के बाद घर जाएंगे, और हमने शॉपिंग कर ली है और अब रूम पे जाएंगे, तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह सुबह निकलना है सऊदी अरेबिया के लिए। और अभी ये देखिए सिग्नल बंद है, कितना रश है। तो फाइनली हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, कल शाम को इंशाल्लाह ताला हमारी फ़्लाइट है सऊदीया के लिए, तो कल का रोज़ा हमारा इधर ही इफ्तार हो जाएगा दुबई में, और परसों सहरी इंशाल्लाह ताला मक्का में होगी।